फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है लूज मोशन, या फिर कहें हम उसे डायरिया भी बोलते हैं और कुछ कुछ जगह पे इसे दस्त भी बोला जाता है। इस टॉपिक में हम चार चीजों के बारे में जानेंगे। ऐसी कौन सी चार चीजें, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी बीबी को अगर डायरिया की प्रॉब्लम है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, उसे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी बीबी को डायरिया है भी या नहीं। सेकेंड चीज जो हम जानेंगे वो ये है कि इसके पीछे रीजन्स क्या है कि हमारी बेबी को डायरिया हुआ, या फिर कॉमन रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे होम रेमेडीज है जो हम इस टाइम पर यूज में ले सकते हैं। फोर्थ चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको करने वाली हूँ। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा अगर आप बेल आइकन दबाओगे। हमारा पहला टॉपिक जो ये है कि हमारी बेबी को डायरिया है या नहीं, हमें कैसे पता चले, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी बेबी को डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर बेबी दिन में 5-6 टाइम भी पोटी जाता है तो वो नॉर्मल होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो आपको आइडिया लग जाएगा आपके बेबी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई है। तो पहली चीज जो है वो ये है, आपका बेबी बहुत पतली पोप जाना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका बेबी बहुत ज्यादा पतली पोटी जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बेबी को लूज मोशन हो चुके हैं, और दिन में वो कम से कम 9-10 बार पोप जा रहा है, वो भी बिल्कुल पतली पतली। तो इसका मतलब ये है कि आपके बेबी को लूज मोशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। सेकंड चीज जो आपको आइडिया लगेगा वो ये है कि आपके बेबी की जो पूप होती है उसमें जो स्मेल आती है वो पहले की कंपैरिजन में इस टाइम पर बहुत ज्यादा आने लग जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है या फिर एक आइडिया है कि जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, हमारी बेबी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड चीज जो है वो ये है कि आपका बेबी की जो पूप करता है ना, उसमें बहुत ज्यादा झाग फॉर्म दिखाई देंगे आपको। अगर बहुत ज्यादा झाग या पतले पतले से झाग जैसे दिखाई दे रहे हैं तो उससे भी आइडिया लगा सकते हो आपके बेबी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है। फोर्थ चीज जिससे आप आइडिया लगा सकते हो वो ये है कि अगर आपके बेबी का जो एनर्जी का लेवल होता है वो पहले की कंपैरिजन में कम हो जाता है। अब जो पहले बेबी बहुत ज्यादा एक्टिव था, अचानक आपका बेबी का जो एक्टिवनेस है वो कम हो गई है, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके बेबी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एनर्जी की प्रॉब्लम या एक्टिवनेस की प्रॉब्लम, जब जब आपका बेबी बहुत ज्यादा पोप जा रहा है और उसको बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है, उस केस में आप आइडिया लगा सकते हो। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि हमारा बेबी पहले एक्टिव था अभी एक्टिव नहीं, तो उसे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा नहीं है। पोप के साथ साथ उसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उससे आप सिंपली आइडिया लगा सकते हो। हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से रीजन्स है जिसकी वजह से बेबी को डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है या होती है। तो मैं सबसे पहली चीज आती है फूड। अब आप लोग सोच रहे होंगे फूड कैसे रीजन हो सकता है। फूड इसलिए रीजन होता है कि पहली चीज तो हम हमारे बेबी को जब सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है किस फूड से हमारे बेबी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उस वक्त बेबी को वो एलर्जी की वजह से भी लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम बेबी को खाना देते तो खाना उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, उससे भी बेबी को दस्त होने के चांसेज होते हैं। तीसरा रीजन ये भी होता है, कई बार हम बच्चों को क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स करके खिला देते हैं, तो मिक्स की वजह से उनके पेट में जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उनको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो डाइजेशन की वजह से भी हमारी बेबी को लूज मोशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से फूड से भी हमारे बेबी को दस्त की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। सेकंड जो रीजन है वो ये है कि टीथिंग के टाइम पे हमारे बेबी को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे टीथिंग एक रीजन नहीं है कि टीथिंग की वजह से बेबी को दस्त स्टार्ट होते हैं, उसमें ये होता है कि हमारा जो बेबी के गम्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा इची गम्स हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, बेबी के आसपास जो भी चीज होती है ना, बेबी उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, कुछ भी उठाएगा और उसे मुंह में डालने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होता है कि हम कितने भी हाइजीन रखें, बेबी कुछ ना कुछ ऐसी चीज ले ही लेता है जिसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो सके या फिर बैक्टीरिया वगैरह जा सके। तो जर्म्स जब अंदर चले जाते हैं तो उसको उसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और उसे कई बार दस्त फेस करना पड़ता है, यानी कि लूज मोशन बच्चों को हो सकता है इस वजह से। थर्ड रीजन जो होता है वो ये होता है कि हाइजीन, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है कि हम हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, जैसे हम काम कर रहे हैं और हमारा बेबी आया और हमने उसे बिना हैंड वॉश के कुछ खिला दिया, तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए। जब भी आप अपने बेबी को खाना दे रहे हो या फिर जो भी आप बर्तन यूज में ले रहे हो वो बहुत अच्छे से क्लीन होने चाहिए, इसकी वजह से भी आपके बेबी को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है।
कई बार ये चौथा रीजन ये भी होता है कि हम जो फॉर्मूला मिल्क बेबी को देते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी कई बार बेबी को दस्त होने के चांसेस होते हैं। और फॉर्मूला मिल्क बनाने में कुछ लोग है ना गलतियां भी करते हैं, जैसे कि हमने अच्छे से वाटर को बॉईल नहीं किया, जैसे 5 मिनट तक हमें वाटर को अच्छे से बॉईल करना है, उसके बाद में ही हमें उसमें पाउडर ऐड करना है। कई बार क्या होता है कि हमने जल्दी जल्दी पानी गर्म किया, जल्दी हो रही होती है, हल्का सा वो गर्म हुआ, बॉईल हुआ, और उसमें हमने पाउडर मिला दिया और बेबी को पिला दिया, तो क्या होता है उससे बेबी को जो डाइजेस्ट होता है ना वो बहुत स्लो हो जाता है वो, और डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों को कई लूज मोशन फेस करने पड़ते हैं। ये सारे रीजन है जिसके थ्रू हमारी बेबी को डायरिया होता है। हाँ, जो लास्ट रीजन है वो ये है कि हमारे बेबी को डायरिया कभी कभी वायरल की वजह से भी हो सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन है, हमारे बेबी की बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन एंटर कर जाता है, कोई बैक्टीरिया, उसकी वजह से हमारे बेबी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सभी रीजन है हमारे बेबी को दस्त होने के पीछे। अगर हम इन सबका ध्यान रखोगे आप अच्छे से, तो हो सकता है आपके बेबी को दस्त की प्रॉब्लम बहुत कम फेस करनी पड़े। इसलिए इन पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके बेबी को फ्रिक्वेंटली लूज मोशन होते हैं, तो आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अवॉइड करना है, जिससे आप काफी हद तक अपने बेबी की प्रॉब्लम को कम कर सकते हो। अब हम जानेंगे ऐसे कौन कौन सी होम रेमेडीज है जिसके थ्रू हम हमारी बेबी की हेल्प कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी, वो ये है कि होम रेमेडीज आपको 3 महीने से बड़े बच्चे के लिए ही यूज में लेने। अगर आपका बेबी 3 महीने से छोटा है, तो प्लीज आप इन होम रेमेडीज को यूज में मत लीजिए और अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिए कुछ भी कोई भी बताए उस होम रेमेडीज को यूज में लेने के लिए। ये बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, उसको लेकर आप रिस्क नहीं उठा सकते हो। अगर आप रिस्क उठाओगे तो हो सकता है उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज्यादा ना हो जाए। तो आपको बिना रिस्क उठाए आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर जो भी दवा दे या जो भी बताए आपको वो ही करना। अगर आपको डॉक्टर कोई रेमेडी बताता है तो रेमेडी कीजिए, कोई टैबलेट देता है तो टैबलेट दीजिए, बट खुद से या किसी और की इन्फॉर्मेशन से बच्चों को मत दीजिए 3 महीने से, अगर आपका बेबी छोटा है तो। अगर आपका बेबी 3 महीने से बड़ा है, स्पेशली 6 मंथ के अराउंड है, तो आपको ये होम रेमेडीज आप यूज में ले सकते हो। तो सबसे पहले रेमेडी है वो ये है कि आपको जितना हो सकता है आपके बेबी को ORS का घोल पिलाना है। इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है बेबी की बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, क्योंकि पोप के टाइम पे क्या होता है कि हमारी बेबी की जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए आपको बेबी को ORS का घोल पिलाना है। ORS का घोल आप चाहो तो मार्केट से पैकेट ला के भी पिला सकते हो, या फिर आप घर में बना के पिलाना चाहो तो आप पिला सकते हो। बस आपको आपके बेबी को पिलाना है, चाहे घर का बना हुआ पिलाओ या फिर मार्केट का ला के पिलाओ, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई सा भी पिला सकते हो, बस आपको पिलाना जरूर है। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपके बेबी को कोकोनट वाटर आप पिला सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ORS का जो घोल होता है ना उसका टेस्ट हमारे बेबी को पसंद नहीं आता है। अब ऐसे केस में हम सोचते हैं कि अब हमारा बेबी ORS का घोल नहीं पी रहा है, अब हम क्या करें, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, कोकोनट वाटर आपके बेबी को पिलाना है, क्योंकि कोकोनट वाटर जो होता है उसका टेस्ट बच्चों को अच्छा भी लगता है, टेस्ट अच्छा भी होता है, एंड सेकेंड चीज उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, तो बेबी की बॉडी के अंदर जब मिनरल्स जाएंगे तो उसकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। जो मिनरल्स लॉस हो चुके होते हैं उसकी बॉडी को मिनरल्स मिलेगा, तो आप बेबी को चाहो तो कोकोनट वाटर भी पिला सकते हो। थर्ड चीज जो आपको करनी है उसको दही देना है, क्योंकि दही अपने आप में एक प्रोबायोटिक होता है, उसमें काफी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो इस टाइम पे बेबी की बॉडी को जरूरी होते हैं, क्योंकि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं बेबी की बॉडी के अंदर एंटर कर चुके होते हैं, उनसे फाइट करने के लिए गुड बैक्टीरिया की नीड होती है। तो आप दही के थ्रू उसे वो गुड बैक्टीरिया देंगे, जो दही बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको दही अपने बेबी को खिलाना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बेबी को दही खिला रहे हो तो टाइमिंग इवनिंग का नहीं होना चाहिए, इवनिंग की टाइमिंग की जगह आपको मॉर्निंग में देना है, या फिर आप चाहो तो उसे नून में भी दे सकते हो, बस आपको इवनिंग में नहीं देना है। और आपके बेबी को कर्ड देना सबसे ज्यादा जरूरी है, और सबसे पहले जो आपको कर्ड ही देना है, आप चाहो तो कर्ड में कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो, जैसे कि जीरा पाउडर ऐड करके बच्चों को टेस्ट के लिए आप जीरा पाउडर मिला के भी दही दे सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपके बेबी को आपको देनी है वो है बनाना। बनाना काफी अच्छा होता है और इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेबी को बनाना खिलाना। बनाना काफी हेल्प करता है बच्चों के लूज मोशन को रोकने के लिए, तो आप बेबी को बनाना जरूर खिलाइए। बनाना काफी ज्यादा टेस्टी भी होता है, बच्चे खा भी लेते हैं। आप चाहो तो बनाना में कर्ड मिला सकते हो, जो कि मेरी सबसे फेवरेट रेमेडी है। मेरी बेबी को जब भी कुछ भी होता है, मेरी बेबी को दस्त बहुत ज्यादा हुए थे टीथिंग के टाइम पर, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी इस प्रॉब्लम से, तो बस लास्ट में जो मेरे को सबसे ज्यादा सूट किया था, मैं बनाना लेती थी, कर्ड मिलाती थी और बेबी को खिला देती थी। ये चीज मेरी बेबी को बहुत ज्यादा सूट किए, तो एक बार आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके बेबी को सूट करे तो। मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करती थी बनाना और कर्ड, तो आप भी इसे यूज में ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो प्लेन बनाना भी खिला सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बेबी को बनाना किस तरीके से दे रहे हो।
कर्ड आपको देना ही है और कर्ड और बनाना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है लूज मोशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इस टाइम पर आप जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क दीजिए बेबी को, फॉर्मूला मिल्क अगर आप अपने बेबी को दे रहे हो तो आप उसे स्टॉप कर दीजिए। इस टाइम पर कम से कम 2-3 डेज के लिए आपको आपके बेबी को फॉर्मूला मिल्क नहीं पिलाना है, क्योंकि वो डाइजेस्ट इजीली नहीं होता, उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो आपको कम्प्लीटली फॉर्मूला मिल्क को अवॉइड करना है 2-3 डेज के लिए, जब तक आपका बेबी ठीक नहीं हो जाता है तब तक आपको फॉर्मूला मिल्क को अवॉइड करना है। नेक्स्ट रेमेडी जो है वो ये है कि आप अपने बेबी को साबुदाने का पानी भी पिला सकते हो, साबुदाना दे सकते हो। अब इसे कैसे बनाना है, आपको कम से कम साबुदाने को 45 मिनट से लेके 1 आवर तक उसे भिगो के रखना है। जब वो भीग जाएगा अच्छे से तो उसको आपको वाटर में बॉईल कर लेना है, वो वाटर में अच्छे से मिल जाएगा, तब वो मिल जाएगा तो उसके बाद में आपको बेबी को पिला देना है उसे। ये भी काफी ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को लूज मोशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट चीज जो हमारी माइंड में आती है वो ये आती है कि इस टाइम पर हम हमारी बेबी को क्या खिलाएं, तो आप इस टाइम पर बेबी को बहुत ज्यादा हल्का खाना खिलाइए, लाइट खाना खिलाइए जो उसको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो इस खाने में इंक्लूड कर सकते हो आप प्लेन खिचड़ी जो इजीली बन जाती है, और बहुत ज्यादा पतली बनाइए, ज्यादा थिक मत बनाइए, क्योंकि पतली खिचड़ी क्या होगी बच्चों को इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, टाइम कम लगेगा। आप चाहो तो उसे चावल का पानी पिला सकते हो, या फिर आप है ना आलू गाजर की प्योरी बना के उसे खिला सकते हो, दही में चावल मिला के खिला सकते हो, दही में केला डाल के खिला सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत हल्की हल्की चीजें खिलानी है जो बेबी को इजीली डाइजेस्ट हो जाए। हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और कब तक हमें घर में उसे होम रेमेडीज देते रहना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास तब जाना है जब आपको लगता है कि आपके बेबी को लूज मोशन के साथ बहुत ज्यादा हाई फीवर है। अगर उसका फीवर 100 डिग्री प्लस है तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, बिल्कुल देर नहीं करनी है, कोई होम रेमेडीज उस टाइम पर यूज में नहीं लेना है, आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है, आपके बेबी को दिखाना है। नेक्स्ट चीज, अगर आपके बेबी की जो पोटी करता है पोप में अगर ब्लड आता है तब भी उस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल लेट नहीं करना है। अगर आपके बेबी को दस्त के साथ वॉमिटिंग भी हो रही है तो भी एक बार आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको इनमें से कोई भी चीज दिखाई दे तो आपको बिना अवॉइड किए एक बार डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर क्या बोलते हैं उनकी राय लेनी है। आपको कोई होम रेमेडीज इस टाइम पर अपने आप यूज में नहीं लेने, क्योंकि डायरिया छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इसे इग्नोर किया तो। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए।